नमस्कार, प्रभा साक्षी के शंख ध्वनि कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। साल 2024 में 8 अप्रैल को पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इस सूर्य ग्रहण को इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि 50 सालों के बाद इतना लंबा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ग्रहण की अवधि की बात करें तो 8 अप्रैल 2024 को लगने वाले इस सूर्य ग्रहण की पूरी अवधि 4 घंटे 25 मिनट की होगी। वहीं 7.5 मिनट के लिए धरती पर पूरी तरह से अंधेरा छा जाएगा। इस सूर्य ग्रहण का डर अमेरिका में भी देखने को मिल रहा है। खबरों के अनुसार अमेरिका में सूर्य ग्रहण के दौरान स्कूल कॉलेजों को बंद रखा जाएगा, वहीं कुछ दफ्तर भी बंद रह सकते हैं। अमेरिका से आ रही खबर के बीच भारत में भी लोगों के मन में सूर्य ग्रहण को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत में भी सूर्य ग्रहण का असर रहेगा, क्या भारत में भी सूर्य ग्रहण के दौरान सूतक काल मान्य रहेगा। आइए जानते हैं 8 अप्रैल को लगने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में ज्योतिषों का क्या कहना है। सबसे पहले जान लेते हैं सूर्य ग्रहण की सही तारीख और समय। साल का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल 2024 को लगने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण अमेरिका, मॉस्को, कनाडा, आयरलैंड, इंग्लैंड देशों में देखने को मिलेगा, जहां पर इसका समय 2:15 से दोपहर के शुरू होगा। भारतीय समय अनुसार सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को रात में 9:12 पर शुरू होगा। इसका अर्थ यह है कि भारत में रात के कारण यहां पर सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। खग्रास का प्रारंभ समय रात 10:10 पर होगा, जबकि खग्रास समाप्ति का समय 2:22 का है। क्या सूतक काल रहेगा मान्य? यह सूर्य ग्रहण जब शुरू होगा तो भारत में रात होगी, इसलिए यहाँ सूर्य ग्रहण अदृश्य ही रहेगा। इसका अर्थ यह है कि जब सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा तो यहाँ कोई भी सूतक काल मान्य नहीं रहेगा। ज्योतिषी बता रहे हैं कि भारत के लोगों को इस सूर्य ग्रहण से डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यह ग्रहण नजर ना आने के कारण सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। पूजा अर्चना, खाना पीना, घूमना आदि दिनचर्या के काम कर सकते हैं। वहीं मांगलिक कार्य करने में भी कोई मनाही नहीं है। भारत में नहीं दिखेगा सूर्य ग्रहण, लेकिन इसका प्रभाव यहां पर जरूर पड़ेगा। भारत में सूर्य ग्रहण ना दिखने की वजह से यहां पर सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत में अमेरिका में लगने वाले सूर्य ग्रहण से बिल्कुल यह अछूता रहेगा। ज्योतिषियों का मानना है कि अगले 6 महीने में भारत और दूसरे देशों में इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव देखा जाएगा, क्योंकि वैश्वीकरण में पूरी दुनिया को एक दूसरे के करीब लाकर इसने खड़ा कर दिया है। ज्योतिष के अनुसार इस ग्रहण के दौरान 3 राशि के जातकों को सावधान रहना होगा। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि वह कौन सी राशियां हैं। मेष राशि। आत्मा के कारक सूर्यदेव मेष राशि में उच्च होते हैं, अतः मेष राशि वालों को हमेशा सूर्यदेव शुभ फल भी देते हैं। हालांकि राहु के साथ सूर्यदेव का शत्रुवत संबंध है, इसके लिए मेष राशि के जातकों को सूर्य ग्रहण के दौरान सावधान रहना होगा। इस दिन कोई भी शुभ कार्य ना करें, साथ ही निवेश करने से बचें और अशुभ स्थानों पर भी जाने से परहेज करें। सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी भी सूर्यदेव हैं, अतः सिंह राशि के जातकों को भी सूर्य ग्रहण के दिन सावधानी बरतने की जरूरत है। इस दिन सिंह राशि के जातक अपने क्रोध पर कंट्रोल रखें, वहीं यात्रा से भी परहेज करें। ग्रहण के समय महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, ऐसा करने से राहु केतु के प्रभाव आप पर समाप्त हो जाएंगे। मीन राशि। ज्योतिषियों की माने तो वर्तमान समय में राहु और सूर्य दोनों मीन राशि में विराजमान हैं, अतः मीन राशि के जातकों को चैत्र अमावस्या के दिन विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। मीन राशि के जातक ग्रहण के समय कोई भी शुभ कार्य ना करें और ना ही निवेश करें। अगले संवत तक दिखाई देंगे 5 ग्रहण। ज्योतिषीय गणना के अनुसार 2024 से 2025 के बीच यानी अगले संवत तक दुनिया में कुल 5 सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण देखने को मिलेंगे। वहीं अगला चंद्र ग्रहण 18 सितंबर 2024 को लगने जा रहा है, लेकिन भारत में यह चंद्र ग्रहण भी नजर नहीं आएगा। इस कारण से 18 सितंबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण का सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा। सूर्य ग्रहण के अगले दिन भारत में शुरू होगा नया साल और नवरात्रि। अमेरिका में 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लगेगा, वहीं भारत में सूर्य ग्रहण के अगले दिन यानी 9 अप्रैल को हिंदू पंचांग के अनुसार नया साल शुरू हो जाएगा। वहीं इस दिन माता दुर्गा की पूजा के विशेष दिन नवरात्रि का भी शुभारंभ हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, अगले शंख ध्वनि के लिए जुड़े रहे प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट
आप तक पहुंच सके।